हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं प्याज और टमाटर कट कर रही थी, तो मैंने उसमें चॉपर में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया, और फिर उसमें मेरे पास आलू गोभी की सब्ज़ी बच गई थी सुबह की। तो बच्चे कह रहे थे हम नहीं खाएंगे उससे खाना, तो मैंने सोचा इन्हें भूख भी ज़्यादा नहीं थी बच्चों को या इनको, तो लेट ही खाना खाया था हमने। तो इस चक्कर में फिर मैंने वो मिक्स करके सेजवान सॉस और सॉस मेयोनी वगैरह डाल के सब्ज़ी में और प्याज टमाटर डाल के उसका टोस्ट बना दिए थे। तो सबने दो दो यही खा लिया, उन्हें भूख भी नहीं थी, और दूध दूध ले लिया। तो फिर थोड़ी देर बाद ही हमारा मेरे घर से फ़ोन आ गया था, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें देखने चले गए थे। बड़ी बहन भी वहाँ से चली गई थी और वो हमें वहीं मिली थी। तो यहाँ से हम खाना खा के फिर हम निकल गए थे, 9:30 बज रहे थे। तो फिर क्योंकि मेरा पीहली का 10 मिनट का ही रास्ता है, 10-15 मिनट का, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर निकल गए थे। 1 घंटा रुक के फिर हम पापा को देखकर आ गए थे, क्योंकि बेटी का भी कॉलेज था दूसरे दिन और बेटे का भी यही पेपर था, तो इस चक्कर में मैं कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए रात को ही देख रहे चले गए थे। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो सुबह ये बोले मेरे लिए दो टोस्ट बना दो और थोड़ी सी भेलपूरी बना दो, तो मैंने टोस्ट और इनके लिए थोड़ी सी भेलपूरी बनाई। मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी भेलपूरी और टोस्ट बना लिया था, मसाला डालना पड़ता है, लेकर चले गए थे, बस यही बनाई थी। वो पेपर देने गया था और सुबह का बिटिया कॉलेज चली गई थी, और फिर बस नाश्ता पानी करके
अपने बाकी काम किए, इनका नाश्ता बनाकर और अपना नाश्ता तैयार करके रख दिया था। फिर मैं पूजा करने चली गई थी, पूजा करी मैंने और फिर अपना नाश्ता किया। मैंने अपने कान्हा जी को तैयार किया अच्छी सी ड्रेस पहना के और बहुत अच्छे से सजा के बैठा दिया। तो कान्हा जी को नहलाने का काम ज़्यादातर बच्चे सुबह सुबह कर जाते हैं स्कूल जाने से पहले, कभी बिटिया कर जाती है तो कभी बेटा कर जाता है, तो दोनों में से कोई ना कोई कर जाता है उन्हें तैयार करके बैठा जाते हैं। बाकी पूजा पाठ फिर मैं बाद में कर लेती हूँ, तो बस यही रूटीन होता है रोज का। कॉलेज से बच्चे आ गए थे तो मैंने लंच की तैयारी की, मैंने इनके लिए पुलाव बनाया, इनकी फरमाइश थी कि पुलाव बना लो, तो यहाँ मैंने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो ये भी आ गए थे, फिर इन्होंने सबने पुलाव खाए।
यहाँ डिनर बनने की तैयारी शुरू हो गई थी, तो ये वेजिटेबल कट की मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च और बैंगन, खाली बैंगन ही बनाने थे, उसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डालना था, तो खाली बैंगन ही बनाने थे। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, कभी खा के देखना, खाली बैंगन, सूखे बैंगन, तो बहुत टेस्टी बनती है।
डे का वीडियो है। ये मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरी ताई सास जो वो एडमिट थी, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस ऐसा कुछ नहीं था, उनको हिचकिया लग रही थी, तो वो हिचकिया रुक नहीं रही थी, इसकी वजह से हमें एडमिट कराना पड़ा। तो उनको हिचकिया गैस की वजह से लग रही थी, गैस बन रही थी, तो वो कुछ खाती नहीं है, ज़्यादा खाती भी नहीं है, हर चीज़ का परहेज करती हैं और गोलियाँ ही खाती हैं ज़्यादातर, कभी बीपी की, कभी दर्द की, कभी ऐसे ही, तो खाती कुछ नहीं है ज़्यादा। खूब कहा है ताई जी खाया करो पर खाती इतना नहीं है, पर बस उसकी वजह से खाली पेट तो गैस बनती है, हिचकियाँ लगती है। तो और बहुत सीधी है, बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यार करती है सबको ही। तो 2-3 दिन के लिए इन्हें एडमिट कराया था, तो मैं इनके पास चली जाती थी सुबह, दीदी चली जाती थी दोपहर को, मैं चली जाती थी शाम को, फिर दीदी का लड़का रुक जाता था इनके पास, तो ऐसे ही जाते हैं। और ये देखो, मतलब बहुत खुश हो रही है, कितनी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बस खाती नहीं है, खाने का बहुत ज़्यादा परहेज करती हैं, हर चीज़ में परहेज करती हैं। अब इनकी आँख लग गई थी, तो मैं ऐसे ही बैठी बैठी बना रही थी, तो बस मैं आई थी तभी ये जगी थी, फिर वो दवाइयाँ चढ़ रही थी तो उसी से ही इनने आँख लग गई, नशा सा हो रहा था दवाइयों का। फिर ये आ गए थे भाई साहब और ये दोनों, तो भाई साहब इतने ताई जी के पास रुक गए थे, तो मैं यहाँ इनके साथ चाय पीने आ गई कैंटीन में। तो यहाँ हमने थोड़ी सी चाय ली, चाय बहुत टेस्टी थी, क्योंकि पूरा दिन सा था, बस खाना खा के आई थी, तो अपने चाय के टाइम अपने आप ही सिर भारी होने लगता है, तो ये 6:30 बजे का टाइम था कुछ, तो यहाँ चाय पीने आ गए कैंटीन में, और एक चिप्स ले लिया था, भूख लग रही थी। यहाँ पीछे काम चल रहा था और हॉस्पिटल की और बिल्डिंग्स बन रही थी, मतलब तो और भी काफ़ी स्पेस था इधर की तरफ, तो वहाँ भी इन्होंने बिल्डिंग्स बना दी थी और बड़ा हॉस्पिटल कर दिया था ये, तो यहाँ काम चल रहा है पूरे उसमें बैक साइड में।